everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Arista here, and today is gonna be a very different video. ये मैंने पहले कभी नहीं किया है. Today is gonna be a cooking video. मतलब मैंने सब कुछ try कर लिया, मैंने challenges कर लिए, vlogs कर लिए, मैं थोड़ी cooking पे भी आ चुकी हूँ. तो वैसे मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, एकदम perfect type है हम. इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्यूचर को और भी यू नो ऐसे अलग अलग टाइप के अनुभव जो भी आगे आप लगा लो वो दिखाऊंगी मैं आपको. सो आज मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, क्योंकि दैट्स माय फेवरेट थिंग ऑन दिस प्लैनेट. पिज्जा से ज्यादा मुझे पास्ता पसंद है. हाँ थोड़ा अजीब है बट यप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिखाऊंगी नहीं क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत गंदी है. बट पहले आपको ऐसे एक पैन लेना है, मम्मी से पूछ लो, मम्मी ये बस पक्का होगा आपकी. फिर उसमें आप पानी लो. ओके, यू टेक वाटर. पीने वाला नहीं डाल देना प्लीज, वरना इट्स कोरोना टाइम. ओके, तो पहले बस में पानी डालोगे. ओके, इतना काफी है. और मैंने आपको पहली वार्निंग दी थी, घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि मेरा भी पहली बार है. और अब मेरे भरोसे कुछ ना करें, वरना बाद में आपकी मम्मी आके मेरे को पीटेगी. तो पहले ही बोल देती हूँ, तो गैस जलाना भी आता है, सो मल्टी टैलेंटेड. क्योंकि तो आप ऐसे पानी लगा दिया, अब आपको पानी चाहिए, एक ऐसा वो चाहिए, फिर आपको पास्ता चाहिए, पास्ता मैक्रोनी जो भी, लेकिन वो. फिर देन यू नीड ऑयल, सॉल्ट अभी के लिए. अभी बहुत और चीज़ चाहिए, बट अभी के लिए दैट्स व्हाट यू नीड. एंड इसको बॉईल करने का वेट करना होगा. ओके, सो ये थोड़ा भी बॉईल हो गया पानी, तो उसमें हम डालेंगे पास्ता. आप पहले ऑयल और नमक भी डाल सकते हो, बट मैं पास्ता डालूंगी क्योंकि अभी इसमें डालना है ऑयल. ऑयल वन स्पून, वन टेबल स्पून ऑयल. भगवान भरोसे डाल देते हैं. ये मैंने देखा था यूट्यूब पे, हम ऑयल इस तरह डालते ताकि पास्ता चिपके ना एक दूसरे से शायद. एंड देन यू पुट इन सॉल्ट, वन स्पून ऑफ सॉल्ट. चीनी मत डाल देना, सेव समझ के प्लीज. नमक स्वाद अनुसार. आप मुझे बताओ, मैं ऐसे न्यू सीरीज मतलब वैसे न्यू चैनल पे खोलूँ क्या, मतलब कुकिंग विद अरिस्ता, मतलब ऐसे समथिंग लाइक दैट. फिर मुझे रोज एवरी वीक में एक चीज बनाऊंगी, या मुझे कुछ देना, जैसे इस बार पास्ता बनाना, अगली बार आई विल बेक अ केक. आई एम सो इंटेलिजेंट. ओके, ये अभी जब तक इसे सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं जाता तब तक विल हैव टू वेट. ओके, सो ऑलमोस्ट अभी 10 to 12 मिनट हो चुके हैं. आई थिंक ये हो गया प्रॉपर, सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए. हाँ डन. तो अभी इससे हम पानी निकाल देंगे, पास्ता को अलग कर देंगे. ओके, सो मैं पास्ता अलग करके रख दिया है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज पास्ता के लिए सॉस बनाना है. सो फॉर दैट आपको चाहिए ओरिगैनो, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स. फिर काली मिर्च को स्मैश करके कूट के कूट के, एंड फिर दूध. उसमें पहले बटर डालेंगे, उसके बाद मैदा डालेंगे, फिर उसमें हम दूध डालेंगे. इट्स वेरी रिक्सी. हाय राम, बटर को मेल्ट करेंगे.
मैं मैदा मैदा डाल दूं? ओके मैदा तो ज्यादा मत डालना वरना ये बहुत वो हो जाता है, फिर एकदम ऐसे बहुत ड्राई हो जाता है। तो बटर तो यहाँ बन गया है, नो वरी, तो हम बटर ही पास्ता छोड़ेंगे, तो इसमें से अच्छे से मिक्स करना, लाइक स्टोर करना, स्टोर। अब इसमें दूध डाल सकती हूँ, तो ऐसे नहीं कि सारे ऐसे मतलब जय माला ही डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसमें 5-6 लोग चाहिए आपको ये करने के लिए, क्योंकि ये अकेला बंदा नहीं कर सकता है। इसे जिम में जाके वर्कआउट कर ले बंदा यार, ये तो पूरा हाथ हाथ तोड़ने वाली बात है अपनी। कुछ भी डाल सकते, कुछ भी चटक मटक। पहले मेरा ऐड नमक टू इट, सॉल्ट इसी से डाल दो, दूसरा स्पून ले लो, स्पून एंड सॉल्ट, इतनी सॉल्ट, हाफ अ सॉल्ट, थोड़ी कम, इतनी सी बस चुटकी भर स्वाद अनुसार अपनी नमक किसमें डालेंगे। ओके फिर हम डालेंगे इसमें ऐसे काली मिर्च, छोटी छोटी ब्लैक वाली होती है उसको ऐसे कूट के काली मिर्च डालेंगे। ओके और इसमें ओरिगानो डालेंगे, इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स करेंगे, ये मैंने पेस्ट थोड़ा कम बनाया क्योंकि क्या पता अच्छा ना बने तो पहले में देखते रहेंगे सब कुछ, तो फिर मैं थोड़ी सी पास्ता तो सॉस बना के मैंने अभी दूसरी साइड रख दी है। एंड यहाँ पे हमें वेजीज को तो मैंने लिया पहले अनियन, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम नहीं, जो टमाटर है क्या ये रेड कैप्सिकम है ये, एंड ग्रीन कैप्सिकम और ये कैरेट्स, मतलब आप कुछ भी वेजिटेबल ले सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, कॉर्न मुझे पास्ता में अच्छी नहीं लगती, तो फिर हम इसको पास्ता को और उसको साथ में भी फ्राई करेंगे, वापस बहुत तेज से कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे, तब गरम होने का वेट करें, जो मैंने अभी मिलाया है तुमने वीडियो देख ली तो
कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ. ओके, सो अभी सबसे पहले हम अनियन डालेंगे क्योंकि अनियन इज वेरी स्पेक्टेक्युलर. फिर अनियन के बाद हम टोमेटोज सब डालेंगे. सो ऑयल गर्म हो गया तो पहले हम अनियन डाल देंगे, फिर हम अनियन को थोड़ा रोस्ट करेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता. ब्राउन या लाइट ब्राउन, ब्राउन होगा तो जल जाएगा. अनियन थोड़ा ब्राउनिश हो गया है तो इसमें बाकी अभी वेजीज डालेंगे. डालेंगे येलो कैप्सिकम, देन कैरेट्स, देन ग्रीन कैप्सिकम, एंड देन ज्यादा रेड कैप्सिकम. डन, मिक्स करेंगे क्यों वरना जल बल गई. तो फिर इसको पकने का वेट करेंगे. पक जा. तो अभी ये थोड़ा भी पक रही है, मतलब इनको बहुत ऐसे जलाई नहीं देना है, थोड़ा बस सॉफ्ट करना है. तब तक मैं इसमें डाल दूंगी चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो और थोड़ी और काली मिर्च. ऑरिगानो इतना कंपल्सरी नहीं है डालना, मुझे बस डालना था क्योंकि पिछले वाले में उसमें चिली फ्लेक्स नहीं लगाए थे. ये एंड फिर थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करेंगे. लगता मुझे एक्टर छोड़ के भी ना शेफ कर जाना चाहिए. नहीं कर रही क्योंकि अभी ट्रायल के लिए, तो क्या पता अच्छा ना बने. अगर ऐसा बन गया तो फिर बाकी बना दूंगी, बट अभी मैं सिर्फ इतना सा डाल रही हूँ. बट आपको जितना मिल जाएगा डालो क्योंकि दैट्स योर पास्ता नॉट ऑफ माय पास्ता. सारे डाल देती हूँ इसमें. मैं पहले सोच रही थी कि सॉल्ट डालूंगी, पर मैं सब कुछ में सब सॉल्ट डाल दी क्योंकि बहुत सॉल्टी हो जाए. सॉस डालने का वक्त आ चुका है. एक घंटे बाद पास्ता फाइनली बन ही गया. ये सॉस ये थोड़ा हार्ड हो गया बट इसमें जाके सॉफ्ट हो जाएगा. और ये मेरे को लगता है ना बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो इसमें मेरे को और मिल के पानी डालना पड़ेगा. इसका पेस्ट जो सॉस बनाया था वो थोड़ा थिक बन गया, तो इसमें मैं थोड़ा मिल्क नहीं, हाँ मिल्क ऐड कर देती हूँ थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए. इट्स नॉट बैड, पहली बार के लिए इसे नॉट बैड. डन, बस थोड़ा इसको पकाऊंगी. अच्छा लग रहा है, इट लुक्स गुड.
okay. I think it's done. Ready to be eaten. मैं निकाल दूँ अब एक बोल में. Okay, so मैंने इसको निकाल लिया है. And time for the first taste. I don't know. इसमें पहली बार तो पास्ता थोड़ा कच्चा रह गया और मैं नमक बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ही ज़्यादा डाली मैंने पहले बोला था. ओके नहीं बाकी बाकी अच्छा है. एंड और इसमें मैं ना अगली बार कॉर्न डालूँ थोड़ी स्वीटनेस के ना बाकी चमेज है. इन शेफ हूँ ना मैं, क्या बताऊँ आपको मैं भी. एंड ऑल्सो बहुत नमक है. मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने हैंडीज की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूछा था मैं टेडी डाइस कि मैं इसका नेम क्या रखूँ, तो कमेंट्स में मुझे बहुत लोगों ने बहुत अच्छे नेम्स दिए, बट सबसे अच्छा जो मैं मुझे लगा और मैंने उसका नाम रखा है वो है अरिजू. एंड वो ऋतु श्रीवास्तव मैम ने दी थी, वो कनाडा से है. सो थैंक यू सो मच फॉर द नेम, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली जुबिन को भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज अरीज फॉर मी एंड जू इज़ फॉर जुबिन, सो जिसका नाम वो रखा है एंड उसको भी बहुत पसंद आया, सो थैंक यू फॉर दैट. एंड यप दैट इज फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट. एंड इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल. एंड अगर आपको चाहिए मैं आपको पार्सल भी कर सकती हूँ, मुझे कमेंट में बताना, सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्सल कर दूंगी, बहुत नमक है इसमें. तो हाँ, एंड मुझे ये बताना था कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज वीडियो होंगी. सो यप दैट्स इट, बाय, लव यू ऑल.